मित्रों, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे शायद सोशल साइंस टीचिंग आज भी दो चार है, वो है जब टीचर क्लास में कोई पेपर इंट्रोड्यूस कर रहा हो या पेपर को इंट्रोड्यूस करना हो तो कैसे करें। नतीजा ये होता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ इंसफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, टीचर की ये इनएबिलिटी कि वो एक सफिशिएंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एक पेपर के बारे में, उसके थीम के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं दे पाता, उसकी वजह से क्या होता है, एक एंगेजमेंट पे असर पड़ता है और स्टूडेंट्स गैप्स नहीं जान पाते हैं और मिस कॉन्सेप्शंस का शिकार होते हैं। दोस्तों, ये जो जिसे हम कहते हैं कि प्रायर नॉलेज का और गैप्स का एड्रेस ना होना टीचर के द्वारा, ये स्टूडेंट को हार्म करता है, बिकॉज़ उसको एक पर्टिकुलर पेपर की एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती और उसके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस रह जाती है, जबकि भले ही वो उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे अच्छा जा रहा हो, लेकिन सोशल साइंसेस जब तक इसे टीचर क्लास में इंटरडिसिप्लिनरी ना बनाए, यानी एक पर्टिकुलर थीम को, एक पर्टिकुलर पेपर को बाकी सोशल साइंसेस के साथ रिलेट ना कर पाए, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग फोस्टर नहीं होगी जिसकी बात NEP 2020 कर रही है। जो ज़माना अभी है वो आंसर्स का नहीं है। मैं बार बार ये अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ये ज़माना है फॉर्मुलेटिंग एंड आर्टिकुलेटिंग क्वेश्चंस का। सवाल पूछे जाने का जो आर्ट है, टीचर को वो एनकरेज करना है विद इन ए सोशल साइंस क्लासरूम। और अगर टीचर इसमें सफल होता है तो वही एक सफल और एक कंप्लीट सोशल साइंस टीचर है, बिकॉज आंसर्स आर एवरीवेयर ऑन AI, ChatGPT एंड एल्सवेयर, बट सवाल कैसे करें। फन और नई क्रिएटिविटी आज स्टूडेंट्स की इस बात पे मुनहसर है कि वो अपने सवाल कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं एक क्लासरूम के अंदर। ये बात हाल ही में CSDS के भी एक स्कॉलर ने कही। दोस्तों, दूसरा, जब तक आप सोशल साइंसेस को रिलेट नहीं कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर पेपर को इंट्रोड्यूस करते वक्त आप अपने, फॉर एग्जांपल, आप सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ पढ़ा रहे और आप जेंडर का एलिमेंट भूल गए, या आप सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में आप स्टॉलवर्ट्स या जो उसके फाउंडर्स हैं, जिन्होंने नींव रखी है उसकी, आप उन्हीं का नाम भूल गए, आप उन्हीं की किताबों का नाम भूल गए, आपने स्टूडेंट्स को वो कॉन्टेक्स्ट, वो बैकग्राउंड नहीं दिया कि ये जो पर्टिकुलर पेपर है इसकी बुनियाद कहाँ से हुई, कहाँ डाली गई और किस तरह ये इमर्ज हुआ। अगर टीचर इसमें फेल होता है तो वो सारा पेपर ही फेल है, भले ही बच्चे कितना भी CGPA बाद में अचीव करे, वही लिखकर जो टीचर ने पढ़ाया, बिकॉज ऑफ एन इनसफिशेंट, दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट। तो जो गैप्स का फिल होना है, जो एक कंप्लीटनेस का, स्टूडेंट्स की जो इनकम्प्लीटनेस ना रहे उसको एंश्योर करना है, या क्वेश्चंस का एनकरेज करना है, यही मॉडर्न सोशल साइंस क्लासरूम का बिजनेस है, यही तो होना है। और जहाँ कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, टीचर्स हैव टू मेक देयर एवरी लेक्चर मोर एंगेजिंग एंड मोर मेमोरेबल। और अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बाइबल को नहीं जानते, आप एक पर्टिकुलर पेपर के जो थियोरेटिकल फाउंडेशंस है उनसे नावाकिफ हैं, या स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं की, तब भी आप एज अ सोशल साइंस टीचर ये समझिए कि आपने दास्तानें सुनाई हैं, सोशल साइंस पढ़ाया नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट
एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम है इन सोशल साइंस क्लासरूम कि अगर इसे टीचर ना समझे और एड्रेस ना करे तो भले ही बाद में वो 50 लेक्चर किसी चीज़ पे दे, वो इनकम्प्लीटनेस शेप अप होगी और वो इनकम्प्लीटनेस दिखेगी, रिफ्लेक्ट होगी इन दी होल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पे और उनके क्वेश्चंस पे निर्भर होगी, और सबसे ज़्यादा जो आपने प्रायर नॉलेज नहीं दी और गैप्स छोड़ दी या स्टालवर्ड्स के या जो मेजर स्कॉलर्स हैं उनके नाम नहीं लिए या मोर और लेस आपका जो मेथड था उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं थी, उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं थी, उसमें आपने बाकी सोशल साइंसेस की से इन्फ्रेंसेस नहीं बताई, तो ये आप समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट अधूरा रहा, और जहाँ कॉन्टेक्स्ट अधूरा रहता है वहाँ सोशल साइंस की पेडागॉजी फेल हो जाती है। थैंक यू।